पापा बाहर आगे ने टेल देम टू वेट आउटसाइड मैं ऑन ना ओके बच्चे ने डोंट वरी मैं देखता अमन ने मैनू दस्या थोड़े बारे कॉलेज दे सीनियर स्टूडेंट्स हो तुसी युद्ध छेड़ना चाहते हो नहीं सर धर्म युद्ध बिना लड़े इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची है इस देश में बहुत उड़ीक कर ली इंसाफ की ओके की नहीं किया साढ़े पुरखों ने देश की आजादी लई कितनियां कुर्बानियां दित्तियां पर की सिला मिलिया अपने ही मुल्क में दूजे दर्जे के नागरिक बन के रह गए कदे कोई गद्दार कहता है कोई अत्तवादी 30 साल हो गए दिल्ली के घल्लूघारे इंदिरा गांधी के कातलों तो सजावं मिलिया पर उन्हों का की जिन्हां ने इन्हें सिख मारे मिलिया इंसाफ पर असी उन्हां नूं दस देना चाहुंदे आ जे असी देश लई इन्नियां जानां दे सकते हां तां अपनी कौम ते धर्म लई जानां लै वी सकते हां आई एम इंप्रेस्ड आओ बैठो सो की प्लान कीता है किवें लड़ोगे अपना युद्ध सॉरी धर्म युद्ध सर एजिटेशन प्रॉपर रोस मार्च तैयार करांगे हरिमंदर साहब तो लैके पार्लियामेंट तक धरने ते भुख हड़ताल करांगे जे फिर भी कोई गल ना बनी तां फिर हथियार चकांगे दशम पिता ने भी कहा है जब प्यार ते गलबात दे सारे राह बंद हो जान तां अपने हक लई तलवार चकना वाजिब है गुरु गोबिंद सिंह जी ने होर भी बहुत कुछ कहा सिर्फ लफ्जा दे अंदर छिपे असली अर्थ नूं समझण दी लोड़ है ये एजिटेशन ये हथियार किन्नी ही बार असी ही हारे साडा ही नुकसान होया है थानूं नहीं लगता कि हुण सानूं कुछ होर सोचना चाहिए तुसी बिजनेसमैन हो सर लगता डर रहे हो इस करके असी अपने संघर्ष लई थोड़े तो सिर्फ माली मदद की उम्मीद करते हैं हाँ कि थोनू लड़न लई कहना है सानू भी पता कि लड़ना हर किसी के बस की गल नहीं होंगी ठीक क्या तुसी लड़ना हरेक दे बस की गल नहीं होंगी बहुत हौसला चाहिए लड़न लई चाहते जी मरन ले मर के फिर जिंदा हो पर तुसी लड़ोगे किदे खिलाफ उस सिस्टम के खिलाफ उन्हां लोकां के खिलाफ जिन्हां ने साडे धर्म साडी पछाण की कीमत कौटी भी ना पाई की गल तुसी मुस्कुरा क्यों रहे हो तुहानूं पता है काका जी थोड़ी आंटी का धर्म की है वह किहड़ी कौम नूं बिलोंग करदी है जिद्दां तुसी पुछ रहे हो जाहिर जी गल है किसी होर वक्री कौम तो बिलोंग करते होंगे ये गल पता नहीं सी सानू जे पता हुंदी असी इत्थे कदे भी ना आउंदे चलिए फिर आपां मैं एक वखरे धर्म तो होके भी एक सिख ते भरोसा कीता ते तुसी सिख होके भी सिख ते भरोसा नहीं कर सकदे यू आर एब्सोल्युटली राइट शब तुसी मेरे ते भरोसा कर सकते हो मैं सच्ची तुहाडी मदद करना चाहुंदा आई रियली मीन इट और सिर्फ मैं ही नहीं इनफैक्ट तुहाडी आंटी भी तुहाडी हेल्प करना चाहुंदी है क्यों शुभ ऑफ कोर्स ले भाई भगवान ने तू साडे सारे लिए वधिया जी कॉफी का इंतजाम कर भाई जवान दोस्तों दे नाल बह के कॉफी पीन दा मजा ही कुछ होर है तुहानू पता है जो मैं ते थोड़ी आंटी मिले सी साड़ी उम्र की होनी है उठते बैंदे फिर
ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਗਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਖੜੋ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਇੰਝ ਖੋ ਜਾਣਾ ਇੰਝ ਯਾਦ ਆਣਾ ਇੰਝ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਭ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਊ ਇੱਕ ਬਾਪ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੜੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੌਜਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਲਿਓ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਧਰ ਫੜਾਓ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਥਾ ਜੀ ਆਜ ਤੋਂ ਮੂਡ ਬੜੀਆ ਸਾ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੂਡ ਕਿਸਾ ਹੋਗਾ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਮਾ ਪਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਮਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੋ ਵਾਂਡਾ ਵੀ ਮਨੇ ਫੋੜਨਾ ਪੜੇਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ
पर केस नहीं रखे उन्हें, फिकर ना करो कोई। देख पुत्र, मैनू तो कोई इतराज नहीं, गल तो कुड़ी वाले दी है। मैं आप ती वाला हाँ, किसे प्यो दा दिल दुखा के मैं तेरा विआह नहीं करना। ये विआह तो ताही हो जे कुड़ी वाले खुशी ना करनगे। मैनू तो बस अपनी ती दी खुशी चाहिदी है, ओ जिथे खुश उथे मैं खुश। वैसे तुसी कह रहे सी कि मुंडा 2 साल इंग्लैंड पढ़न जा रहा है, ओ किथे उड़ीकदे रहांगे इन्नी देर। जे इंग्लैंड जाके ओदा मन बदल गया फिर पापा कुछ ना आपा मुंडे वालियां नू कह देंगे, जान तो पहले मंगनी कर लें, व्याह आके कर देंगे। ये तो होर भी वधिया गल है। नाले मेरे मन चो ये भी डर निकल जाऊ कि तू इंग्लैंड जाके किसी गोरी शोरी नाल व्याह करा के उथे ही ना रह जाए। चलो भाई, जे इन्ना ही रिश्ता सीगा साडा साडी ती दे नाल ते इन्ना ही सही। दस फिर कदों करिए कुड़माई। पापा गुनू पुत्र अपन कर्म की सगाई कर लगे हाँ, ऐसे हफ्ते उसे कुड़ी नाल शुभ नाल। तू ऐदा कर, तू ना एक हफ्ते वास्ते इधर ही आ जा, तेन पता ना किनिया तैयारियां करनी। हाँ छेती आ जी फिर। चल ठीक है। ले कुड़ी वाले नाल गल भी नहीं हुई तो तुहाडी मां ने कार्ड भी बनने शुरू कर दिते। देख पुत्र, हुण तेरी मंगनी काली काली जिवें होऊ उवें होजू, पर तेरा विआह ऐसा गज बज के करूं, ऐसी बरात कढूं कि सारी दिल्ली खड़ खड़ देखू। ओ की पटक पटक लगिया दिल्ली वाले हो, ओ जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ओ मुंडे वाले आने वाले होने हैं यार। ये दिल्ली है, इतने इतना ही काम चलता है, तू सीधा बता बाकी काम कहो। कमाल है। ओए हेलो। हां जी भाई जी, फुल तैयारी चल रही फिर। करमन तो हले तैयार नहीं होया, कुड़ी ता ब्यूटी पार्लर चो तैयार होके चाल भी पई है। लिली ये पग सूत ही नहीं आ रही, पता नहीं की पंगा है। तो ये पग सरदारा दा ताज हुंदी है, कोई पंगा नहीं। जे नहीं बननी आउंदी ते लिया इधर, मैं बन देना इनू, पर इनू पंगा ना कह। अच्छा अच्छा सॉरी, गलती हो गई, नहीं कहंदा हुन। पर बननी जरूरी है। बहुत जरूरी है पुत्र, तैं शुकीनी लई कदे पग नहीं बनी, कदी केस नहीं रखे, मैं तैनू कदे कुछ नहीं कहा। पर ये गल भुली ना, ये पग साडा धर्म है, साडा विरसा है। गल शुकीनी दी नहीं है पापा, मेरा मनना है कि धर्म संस्कार ते वैल्यू दी जगह बंदे दे दिल च होनी चाहिए है। ये तो सिंबल ने। ये सिंबल ही साडी पहचान है पुत्र, अज भावे तेरे लिए ज्यादा अर्थ नहीं रखते, पर मेरी गल याद रखी, जद कदे भी तेरे ते कोई संकट पिया ना, ये चिन्ह ही तेरी पहचान होंगे। आओ जी। चल छेती पग मल ला, आज छेती लेट हो रहे, आ जा तब तब। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ
वैसे यूथ फेस्टिवल तो बाद आज बहुत सोना पंगड़ा पाया तुसी। तुसी केड़ा कट सी? आई मीन जिदा यूथ फेस्टिवल दे विच तुहाडे गिद्दे तो बिना नहीं असी जित सकते सी ते हुण जिंदगी दे विच तेथों बिना नहीं जित सकता मैं। अच्छा हाँ वैल पंगड़े दी गल तां होर है पर अज जिहड़ी टर्बन तुसी बन्नी सी ना उस च बहुत जच रहे सी तुसी। ओ अच्छा यार मैं तां डर रहा सी किते तुहाडे पेरेंट्स नूं मैनूं टर्बन च देख के अजीब ना लगे। क्यों अजीब क्यों लगना जनाब कुड़ियां दे दिल नूं जो गल जच जांदी है ना ओ फिर किसी भी तरीके नाल अजीब नहीं लगदी उहनां नूं। थैंक्स शुभ आई मीन वेरी हैप्पी कि तू मेरे फैमिली दे ट्रेडिशंस ते इन्नी रिस्पेक्ट करदी है। ओ इस करके जनाब क्योंकि हुण तुहाडी फैमिली ते ओहदे ट्रेडिशंस मेरियां भी ने सिंपल। वैसे गल का आई मीन मेरे वास्ते थोड़ा मुश्किल हो जाना सी। ओ ते होणा ही सी मोहब्बत दे रंग विच रंगण दा काम सिर्फ कुड़ियां ही कर सकदियां ने मुंडियां दे वस दी गल नहीं। मुंडे ते लाइयां ला के किसी बहाने नाल इंग्लैंड तुर जांदे ने जे फिर गलती नाल किते गोरी शोरी टक गई ना ते लाइयां भी भुल जांदे ने। या आई कैन सी के तू किधर नू जा रही है मैं देख सकता हूं। हां वैसे गल का यूके जाके ना मैं तेनू नहीं भुलांगा पर तू मेनू जरूर भुल जाएगी। अच्छा वेखदे आ मैं भी नहीं भुलदी दिल दा रिश्ता लाया तेरे नाल कोई मजाक थोड़ी है। काकू थोड़े ब्रेकफास्ट दे चक्कर च ना मैं रोज लेट हो जानी हां। अरे मैडम जी ब्रेकफास्ट तो रेडी से कर के जइयो। नहीं मैं जा रही हां। अरे सुन तो लो हेलो फिर चलेगी अब दजी देख लो सरदार जी थारी छोरी के काम यो करते तो नाश्ता करके जाने की नहीं फिर उड़े जाके कॉलेज में कंटीन के ब्रेड पकौड़े खांदी रहेंगी हद दी है। एल गुन्नू दीदी ने थारी खातर बिस्किट भेज रखे वो भी घर के गट मिठे वाले वेखे लोकल कुड़ी भी उंदा किन्ना फायदा है कोई चीज बना दे मिनट च भेज देंदी है। ओ तू नहीं ब्याह भी कराना कोई लोकल ही लभ ले के सरदार जी थम भी बस बार बार नहीं लगता इहदा तां कन्यादान नहीं करना पैना। अच्छा मैं ये सोचती हाँ भी गुन्नू के विआह तो बड़े साल बाद अपने घर खुशी का मौका आया तो क्यों ना आप दोनों जने जाके हरमंदर साहब मत्था टेक आईए। हरबंस दिल्ली च रहिंदिया पता नहीं चलता अंदर पंजाब च हालात माड़े ने शामा पैंदिया ही हनेरिया के परछावे पिंडां दे दरख्तां ते नहीं लोगों दी शक्लां ते नजर आते ने। ओहो आपां नूं हालात की कहिंदे ने आपां किसी का की बिगाड़िया भला बिगाड़िया तो किसी ने भी किसी का कुछ नहीं हरबंस पर इना अन्ने वाह चलदियां बंदूकां ने इंसानियत दी शक्ल जरूर बिगाड़ दित्ती है। चलो छड्डो जी कोई गल नहीं रब तो सारी जगह इक्को ही है हरमंदर साहब नहीं तो आप बंगला साहब ही मत्था टेक लैने फिर तो ठीक रहेगा ना। आलो मम्मी की होया है फोन वज रहा है तुसी चकदे क्यों नहीं। शुभ फोन ना चक्की करमन दा फोन है पहला भी आ चुका है। करमन दा फोन आया चुकना नहीं क्यों कोई दसेगा मेनू आखिर होया की है। पिंडो फोन आया सी तेरे चाचा जी नहीं रहे पग्गा बनी तो मुंडे मोटरसाइकिल से आए गोली मार के चले गए। पर पापा इस शिखरमंदा की कसूर है व्याह तो बाद जाहिर है वो भी उस घर जाएगा जिथे अज मातम छाया है। केड़े मुंह दे नाल मेरे रिश्तेदार करमन ते उहदे परिवार दे नाल मिल नहीं करनगे। बाऊ जी गाड़ी आ गई असी पिंड जा रहे हैं दो कु दिन तक वापस आ जाएंगे। पुत्र
कोई जबरदस्ती नहीं है, पर जे हो सके तो एक बारी सोच ले। तुसी पिंड जा रहे हो? मतलब मैं नहीं जा रही हूँ। तेरा उत्थे ना जाना ही ठीक है। चलो चलिए, उड़ीकदे होने। अचानक मैनू एहसास होया कि हुण मैं वालिया फैमिली दी धी नहीं सी रही, बल्कि एक सिख फैमिली दी नूह हो गई सी। करतार जी, असी एने बेगाने हो गए पंजाब दे व्यापारी, माल देन तो ही मना कर दिता। ओ नहीं नहीं, ऐसी कोई गल नहीं चावला साहब। अपने मुंशी नू पुछो, जेड़ा आखदा है कि एडवांस पेमेंट दित्ते बिना माल नहीं भेजांगे। पंजाब दे हालात की खराब हुए, तुसी तां साथों मुंह ही मोड़ लिया करतार जी। हालातों का इतना रौला चावला साहब, कोई करिंदा पंजाब जाना ही नहीं चाहता गुराई वास्ते। नाले दसो, थानू माल देन तो कोई रोक सकता है? ओ मुंशी जी। जी सर। चावला साहब नू दियो जिन्ना माल चाहिए उन्होंने। जी जी। होर सुनाओ तुसी, साडे कुडम वाले साहब मिलते रहते ने? मिले सी बेचारे अपने छोटे भरा की रसम पगड़ी से। बहुत माड़ी हुई उन्होंने, छोटी जी उम्र सी, तीन कुड़ियां बेचारे दी। पर तुसी नहीं नजर आए उस दिन रसम पगड़ी ते? कि वाली साहब का छोटा भरा? कमाल है, तुहानू पता ही नहीं सरदार जी। उन्हू तो 3 महीने हो गए अतवादी मुंडे गोली मार गए सी। शक तो मैनू भी कई बार पिया कि उन्होंने कोई गुस्सा गिला जरूर हैगा साढ़े नाल। वह आप तो दोनों जी गल नहीं करते, तो शुभ भी डरी डरी जी गल करती है, पर मैनू तो इस गल की समझ नहीं आती भला साढ़े नाल काहदी नाराजगी उन्होंने। तू उन्हां दी थां ते खड़ी होकर सोच सरबंस, गोली मारन वाले पर इन्ना घट है कि इस तो बावजूद वो साढ़े नाल रिश्ता रखी बैठे। मैनू तो लगता है आप दोनों नू सवेरे लुधियाने जाना चाहिए। हाँ ये ठीक रहेगा, बल्कि उन्होंने कहोंगे कि वह भी साढ़े को दिल्ली शिफ्ट हो जाए। ये ब्लू स्टार तो बाद ना पंजाब के हालात तो मैं नहीं लगता ठीक हो। सरदार जी, सरदार जी रेडियो लाओ, तौली तक रेडियो लाओ। वो क्या होया, एडा घबराया क्यों है तू? सरदार जी रेडियो पर खबर है रही से किसी ने इंदिरा गांधी तक गोली मार दी। क्या? सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ये दोनों सिख श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात थे। श्रीमती इंदिरा गांधी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सूचना मिली है कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। देश भर में शोक की लहर चल पड़ी है और विदेशों से भी शोक जताया जा रहा है, जबकि प्रशासन की ओर से स्थिति पर नियंत्रण के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के अनुसार दिल्ली के पंजाबी बाग क्षेत्र में 2 धर्मों के लोगों में दंगे हुए हैं, जिसमें बहुत से घरों और दुकानों को जलाने के समाचार मिल रहे हैं। फोन तो लगते नहीं पा, पता नहीं की हाल होना कुन्नू का। सर भाई पत्री दरवाजा खोल छेती। बारला गेट खुला पिया, ताला क्यों नहीं लाया? बंद करके आ छेती। मैं करके आऊं पुत्र, ठीक ठाक पहुंच गए तुम? ठीक हूं। रास्ते में पत्थर सट्टे लोगों ने 2-3 दुकानें भी रुक गई हैं। हंसी तो मजा निकल के आया, रास्ते च गाड़ियां ने पीछा कीता साडा। चुपले चुप कर, तुसी डरो नहीं, इधर लगदा है ज्यादा टेंशन नहीं है। आज ही रात लंघ गई, सवेरे सुनया मिलिट्री आ जूगी। भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती के बावजूद दंगों का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट दी है कि जगह जगह सड़कों पर सरदार जी अपने मार्केट में ना सिख भाइयों गेल मारपीट हुई से, और वो अपने पड़ोस वाले गुरुमुख जी है ना, उनके घर पर भी ताला से, और चोपड़ा साहब
वो भी नहीं अपने घर में। ओ यार तू ऐवें बेमतलब दी टेंशन ना कर, सारे इत्थे अपनी जान पहचान वाले बंदे, कुछ नहीं हुंदा। सरदार जी तम समझो बात ने, वो जो कुछ भी कर रहे साहब, मेरा नहीं कौन सा है कितने ऐसे, मैं तो नहीं कहूं सू। ओ तू आप अपनी अखा ना वेख के आए सी, तो थोनू क्या भी सी? वही तो, मैं भी तो नहीं कहूं था सरदार जी, हालात कुछ ठीक नहीं है, और मैं तो न्यू कहूं सू कि हम कुछ दिन खातर कितने और चले जा। ओ बार हालात तो और भी खराब ने बदरी, घर दी चार दुआरी चापा सारे कट्ठे था, वो आज दी रात कट लो, मेरा ख्याल है कल हालात बेहतर हो जाएंगे। लगता करमा दा फोन आ गया। हेलो। हेलो करमन, तू किवें आ? ममा मैं तो ठीक हाँ, तुसी ठीक हो? हेलो। हाँ असं सारे ठीक हैं, अस तो तेरे सवेर दे फोन ट्राई कर जाने, पर तेरा तो फोन ही नहीं लगता है। हेलो ममा। हाँ जी। हाँ हाँ मैं भी बहुत बार फोन तुहानू ट्राई किया है, हैलो हैलो होंदी है, बैल जाती है, फिर फोन कट्टिया जाता है, और टीवी ते न्यूज़ दिखा रहे हैं कि दिल्ली में सिखा नू मार रहे ने। ममा मैं बहुत परेशान हाँ, तुसी ठीक हो ना? आर यू ऑल सेफ? हाँ पुत्र असं ठीक हाँ, सानू की होना है? आई एम जस्ट कमिंग बैक। नहीं तू इतने वापस नहीं आना। ओए एक मिनट मैंने दे। ओ देख पुत्र तू पागल है, इतने साड़ी सारे की जान खतरे च है, तू इतने आके अपनी जान खतरे च पानी है? ओ बेटा हालात ठीक नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ पुत्र हाँ, जब तक इतने हालात ठीक नहीं हो जाते तू इतने वापस आना ना नहीं लाना है। ममा एक कहो जी गल्ला कर रहे हो, इस टाइम तुहानू सारे नू मेरी लोड़ है। ताही ता असीं चाहुंदे तू ना आए, तैनू तेरी मां दी सौं, जब तक तैनु मैं ना बुलावांगा तू वापस ना आए। हाँ जी वीरे, वीरे प्लीज तुसी वापस ना आयो। है चली, स्टॉप क्राइंग ओके? चल नहीं आंदा, बस। हेलो, 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 हेलो प्रीत, हेलो वीरे, हेलो मम्मा पापा, हेलो, 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 हेलो पुत्र। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, हेलो बहुत पागल लोग सरदार जी, थम इनकी गेल नहीं लड़ पाओगे, थम एक काम करो मेरे गेल चलो, कितने मेरे गेल चलो, मेरे क्वार्टर में चलो। आओ सरदार जी मैले कर दो, उन्हें मैले आ लूँ, मैले कर लूँ, मैले कर लूँ। आजू चढ़ जाओ ऊपर, घर से निकलो, तोड़ी करो, तोड़ आओ, जल्दी आओ, जल्दी तोड़ आओ, मेरा नहीं कौन है, मेरे नहीं कितने दालों से लोग आ रखे थे। मैं बाहर से ताला लगा के जा रहा हूँ, तुमने चिंता को नहीं करनी, इभी आऊँ बाहर तो मॉल देख के वापस आऊँ। बैठो खोल।
ਯਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ घंटे से दरवाजा पीट रहे हैं अपनी जान के साथ रंगरलिया मना रहा था साले कहां है सरदार मैं तो कल सांझ ने एक काम दे लिए थे यारा तो मैं छोड़ रखा सु सामान की रखवाली करतर सामान की रखवाली तो अब हम करेंगे बर्बाद कर दो लूट लो कोई भी निशान नहीं रहना चाहिए इन सरदारों का यहाँ पे सर क्या ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੰਗੜੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਚੱਲ 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 ਲੂਟ ਲਓ ਸਭ ਬਸ ਚੱਲ ਸੋਨੇ ਉੱਠ ਸੋਨੇ ਉੱਠ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰੱਖਾ ਖੋਲ ਛੇ ਖੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਹੈ ਜੀ मैं अपने काम जाऊं था जी तेरे कमरे में हीरे जवाहरात हैं क्या साले जो इतना बड़ा ताला लगाया तूने मार साले को मार साले को उठ साले विकी अंदर कोई है ਕੰਬਲੂ ਯਹਾਂ ਛੁਪੇ ਤੰਦੂਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹੇ ਇਸੀ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਇਨਕਾ ਕੇ ਦੂਰ ਤੇ ਜੀ ਚਲੋ ਬਾੜਕ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਦਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਹਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ
ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਬਦਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਲਿਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਪੱਗ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਵੀ ਮੱਚਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
साहिब जी माग मज्जन संग साधुआ तोड़े कर इशनान हर का नाम ते आए सोना सबना नो कर दान ਇਹ ਪੱਗ ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ ਉਹੀ ਸਹੀ ਵਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵਕਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਗ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ ਰਹਿਤ ਬਿਨ ਸੁਖ ਕਬੂ ਨ ਲਾਹੇ ਤਾਤੇ ਰਹਿਤ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲੇ ਸਗੋਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਰਮਨ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਕਰਮਨ ਬਚਿਆ ਹੈ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਕਰਮਨ ਦੇ ਕੋਲ? ਮਮਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,
एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। इस तरह कर छड़न दा मतलब तू समझदी है? इस घर दे बूहे हमेशा लई तेरे वास्ते बंद हो जाणगे। घरों नसियां कुड़ियां दी इज्जतदार घरां च कोई थां नहीं हुंदी। सोसाइटी दे विच उहनां नूं नफरत भरियां नज़रां नाल देखिया जांदा। थां घर विच नहीं, दिल विच होनी चाहीदी है पापा। ते जिथे मैं जा रही हां ना, उस दिल विच मेरे लई बहुत थां है। आई एम श्योर मैं प्रूव कर देंगी कि मेरा फैसला गलत नहीं सी। एंड जरूरी तो नहीं ना पापा कि हर बार पेरेंट्स ही सही होन, बच्चों के फैसले भी तो सही हो सकते हैं ना। बस लोड़ है तो उन्होंने समझन दी, उन्होंने ऑनर करन दी। प्लीज ब्लेस मी पापा कि मैं तुहाडा सर हमेशा उच्चा रख सका। प्लीज खुश रहे मेरी बच्ची, खुश रहे। संताली दी वंड वेले एक बार तां लगा पुत्तर सब खत्म है। पाकिस्तान विच वड्डा काम सी ते इत्थे सड़कां ते रुल रहे सी। फिर सोचिया हिम्मत हार के ते कुछ नहीं होना, चलो दोबारा जिंदगी शुरू कर दे। तेरी मम्मी दियां सारियां टूमां बेच के सिलाई मशीन खरीदी ते एक कपड़े दी दुकान दे बाहर कपड़े सीन दा काम शुरू कर लिया। फिर एक छोटी जी दुकान ली, तेरी मम्मी भी उन्हां दिनां च मेरे नाल काम करती सी। फिर नाल दी दुकान लैके दुकान वड्डी कर ली, शोरूम बनाया ते फिर हुण आ फैक्टरी। हिम्मत होवे ते की नहीं हो सकदा करमन। भाई जी देखो तो कौन आए। शुभ तुम? हाँ पर ये सब करमन टाइम इज प्रीशियस शुभ, मैं इनू खराब करना ठीक नहीं समझा। तेनू इस तरह घर छड़ के नहीं आना चाहिए सी शुभ, हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होंदी है। अच्छा फिर तू ये सोच भी किवें सकदा है कि औखे वेले च दिलां दे रिश्ते इंज छोटे भी हो सकते ने? नहीं शुभ प्लीज कूल डाउन, ये वेला जज्बाती होन तां नहीं है, जो हालात ने उन्हां नूं समझन दा है। ते सच्चाई ये है कि मेरे को इस टाइम कुछ भी नहीं है तेनू देने लई।
सिवाय दुखां दे। पर करमन मैनू ते दूसरी गल, शुभ यू आर वेल एजुकेटेड, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, तू जो चाहे वो कर सकती है, फिर क्यों अपने आप नू ये सिचुएशन च पाना चाहनी है? योर पेरेंट्स वर राइट, हुण वाकई वेला नहीं रह गया। यस दे वर, हुण वाकई वेला नहीं रहा, ते ए भी नहीं रहना ना करमन। जे तू मुश्किलां नू चैलेंज करन दी सोची ही है ते इस घड़ी मेरा भी ते इम्तिहान है ना। प्लीज करमन, लेट्स सपोर्ट ईच अदर रेदर देन सेपरेट इन सच सिचुएशन, प्लीज। तू ये सोच समझ के कह रही है ना, मैं नहीं चाहता कि कल नू तेनू पछताना पे। जब तक तू मेरे नाल है ना, मेरा कोई भी फैसला गलत नहीं हो सकता। की सोच रहा है? यही ना कि साढ़े तक कट्ठे रहने नाल कल नू कोई उंगली भी चक सकता है। ते चल फिर एक काम कर दे, चल के पहला व्याह ही कराने आ, की कहना है? शुभ दा फैसला ते मेरे प्रति उसके जज्बात इन्ने मजबूत सन कि मैं उसनू जीवन दे सुखावे रस्ते ते जान नू नहीं मना सकिया। फाइनली असी दोवां ने जीवन साथी दे तौर ते दुख सुख इकट्ठे वंडन दी सौं चक ली। देख पुत्र, हूँ तेरी मंगनी काली काली जिमें हो उमें हो जू, पर तेरा ब्याह ऐसा गज बज के करूं, ऐसी बरात कढूं कि सारी दिल्ली खड़ खड़ देखूं। क्या गज बज के ब्याह होया ना पापा दे लाडले दा, ना बैंड बाजा ना बरात ते लंगर हॉल विच रिसेप्शन। ते डिगू डिगू करते बैठते सुहागरा। वंडरफुल ना। शुभ विआह जिदा मर्जी होया, पापा दे बिहाफ ते ना मैं तेरे नाल एक वादा करता कि मैं तेरे नाल दोबारा विआह करावांगा, वो भी गज वज के। दोबारा विआह? ओ दे लई तां तुहानू दोबारा प्रपोज करना पऊगा, चलूगा? डन। ए विआह साडा जिदां दा भी होया होवे, पर मैनू इस गल की खुशी है कि मेरा व्याह तुहाडे नाल होया ते मेरा वादा भी नहीं टुटिया। ते मैं इस गल नू कदी नहीं भुलांगा शुभ, तू मेरा साथ उदों दिता जदों मैं बिल्कुल कल्ला सी ते वो भी केड़े हालात विच। थैंक यू शुभ, थैंक यू। यू वेलकम सर। हुन केक कटिए, भुख लगी है। श्योर। आलो ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕੁੜਕੀ ਦੇ। ਕੁੜਕੀ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। काका कोर्ट वालों घर खाली करवाने दे ऑर्डर। मेरा घर खाली कोर्ट दे ऑर्डर? हाँ जी। ये किवें हो सकता है? हो सकता काका जी, हो चुका है। फॉर गॉड सेक सर, मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा है तुसी की कह रहे हो। गल समझा ली पापा जी खुद दा इन्हें बार, तुसी आ जाओ बार नू, आ जाओ छेती। हेलो पुत्र जी। अंकल जी तुसी? ते सब की गल पुत्र जी, इन्ने नोटिस भेजे कोई जवाब ही नहीं है? जवाब नहीं, नोटिस,
मैं कुछ समझिया नहीं जी। वो समझ ना आने वाली है केड़ी गल है पुत्र जी। दरअसल थैंक यू शिंगारा जी, तुसी मैनू बैंक दे लंबे चक्करां चों बचा लिया। काफ़ी वड्डी रकम तो मशीनां दे अपग्रेड चली जाएगी, नाले मैं अपने पुत्र नूं इंग्लैंड भेज रहा ताकि वह जिंदगी की दौड़ च मेरे तो अगे लंघ जाए। ओ भाजी पैसों का तुसी फिक्र ही ना करो, तुहाडे किसे काम आ गए या मेरी जेब च पए रहे, वो गल तो इको ही है। आई नो थैंक यू वेरी मच, लेकिन करार दे मुताबिक ये बोझ जिन्नी जल्दी हल्का हो जाए ना मैनू उन्ना ही सुकून मिलेगा। पर करार तो पूरा नहीं हो सकया ना। देख पुत्र भाजी दे जान दा ते तेरे नाल वापरे एडे वड्डे हादसे दा मैनू बहुत दुख है, मैं बयान ही नहीं कर सकता, पर परमात्मा दी करनी नू कौन टाल सकदा है। पापा जी हुण करना की है, तुसी गड्डी च बैठो। काका जी तुसी आ कागज चंगी तरह पढ़ लो, तुहाडे वास्ते लैके आ। देख पुत्र है तां गुस्ताखी पर मैं बहुत मजबूर हाँ, एड्डी वड्डी रकम नू मैं मिट्टी हुंदा किदां देख सकदा। पर अंकल जी हाँ करतार सिंह दे रसूख करके मैं इन्ना जरूर कर सकता कि यह घर मेरे को महफूज रहेगा, मैं इनू वेचांगा नहीं। कल मेरे बंदे आणगे कब्जा लैण दे। पर अंकल जी मैं किदां? ओ पुत्र फिलहाल तैनू अपना ख्याल आप ही रखना पैणा, जदों तेरे को पैसे का इंतजाम हो जाए आके चाबियां लै जी, ठीक है? चिंता ना कर। की हो रहा है करनू, मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। I'm totally confused. I mean, ना कोई लीगल नोटिस ना कोई इनफॉरमेशन, एदा हुंदा है कदी? शुभ गल इनफॉरमेशन या लीगल नोटिस दी नहीं है, गल नीयत दी है। ते जब नीयत च खोट आ जाए ना ते औखे वेले अपने भी बगाने हो जाते हैं। बट करमन आई थिंक वी शुड गो टू द कोर्ट। ए कोर्ट, ए मुकदमे, ए गवाहियां, फिर उन्हां लोकां नूं कचहरियां च खड़े करो जो इस दुनिया च है ही नहीं। शुभ पापा ने लोन शिंगारा अंकल तो मेरे बैटर फ्यूचर ले लिता सी। उन्होंने एक सुपना देखा सी कि मेरा करमन ये बनेगा, मेरा करमन वो बनेगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि पापा का यह सुपना सरकारी मुआवजे या अदालतों की चौकठा उत्ते रुलता फिरे। पर करमन कोई तो सिस्टम होगा, आपा किदे नाल लड़िए फिर? शुभ साड़ी लड़ाई सिस्टम सरकार या शिंगारे अंकल वर्गे लोगों नाल नहीं है, साड़ी लड़ाई अपने आप नाल है, अपने अंदरले नाल है। तो अपने आप से जित पाउण लई सानू किसी कागज़ या कानून की लोड़ नहीं, सिर्फ एक चीज़ की लोड़ है, निश्चय की। शुभ छोटे होंदे स्कूल च ना मैं एक ग्रीक स्टोरी पढ़ी सी, एक कुकनूस नाम के पंछी बारे। तैनू पता है वह सूरज की तपिश नाल सड़ जाता है तो फिर अपनी राख चो जन्म लैंदा है, तो पापा वह कुकनूस पंछी सी। शुभ हुण साडी वारी है उस राख चो जन्म लैण दी। दिन रात मेहनत करते हैं, कामयाबी की छोटी छोटी पौड़ियाँ फैलाते हैं, कदों असी खुले आसमान के नेड़े पहुँच गए पता ही नहीं चले।
अचानक मेरी मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते नाल हुई जिसने मेरे एम्बिशंस नू नवी परवाज दित्ती। मुल्तानी ना आया सादा कपड़े दा व्यापार करदा तो सामान कोई टिक्कियां छोले नहीं बेचदा पया मैं। बेकार है सब कुछ। एक ही है की है एक कपड़ा है कोई डिजाइनिंग बेकार स्टिचिंग बेकार कलर सेंस बेकार है। ए माल जोरो भेजना है लुधियाने दे चौड़े बाजार बिच नहीं। हाँ उतने दे लोकां दी कलर सेंस उतों दे लोकी कहो जा कपड़ा पहनदे ने पता है कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पहनदे। हाँ सर उतों दी मार्केट और कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो साईं तारीफ सर माईसेल्फ करमन सिंह मेरी तुहाडे नाल अपॉइंटमेंट फिक्स है सर इसी ऑर्डर दे सिलसिले च। मैं इंग्लैंड तो अपनी टेक्सटाइल दी स्टडी कंप्लीट कीती है। थैंक यू। होल्ड करो वीरजे कंपनी प्रोफाइल दिखाओ। सर फिलहाल तो नहीं है पर जदों पिता जी जिंदा सी सर उदों साडी कंपनी नॉर्थ इंडिया की सब तो वड्डी कपड़ा सप्लायर सी। कतलेआम में सब कुछ खत्म हो गया। हुण तां सिर्फ एक सड़ी हुई फैक्ट्री दो तीन कारीगर नो स्टॉक नो मार्केट। गल करन दा अंदाज खूबसूरत है तुसां दा। दो तीन कारीगर कोई स्टॉक नहीं कोई बैंक लिमिट नहीं है ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਸਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 3000 ਪੀਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਬਰਖੁਰਦਾਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਪੀਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਾਤ ਦਿਆਂਗਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ। 3000 ਪੀਸ ਬਿਨਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ। ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵੀ ਪੀਸ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਡ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਰ। ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੀਆਂਗਾ ਜਦੋਂ 3000 ਪੀਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਮਿਸਟਰ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਰ। ਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਰੋ ਮੰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਵਰਜੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ। ਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸੁਪਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਲ ਗਏ ਉਹ ਸਭ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਨੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਓ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਮਨ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਔਰ ਮਾਲ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਭ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ 3000 ਪੀਸ ਖਾਤਰ ਪੀਸੇ ਚੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਚੀਏ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਲਗੇਂਗੇ ਔਰ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਭ? ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਕਰਮਨ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਜੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਾਜੇ ਵਜੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ।
ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿਰਜ਼ੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੇ ਮਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਬਟ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵਰਕਰਦਾਰ, ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਿਸਟਰ ਅਮਨ ਚਾਵਲਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਜਿਤਨਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਸਰ। ਜਿਤਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਓਕੇ ਜੀ। ਯੈਸ ਵਿਰਸੇ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਪੱਪੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਵਿਰਸੇ। ਜੀਓ ਕਰਮਨ ਜੀਓ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਪੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਕੁਛ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਮਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰੋ ਡਾਰੀ, ਵਧੋ ਅੱਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਕਰਮਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਇਆ ਸੀ ਵੰਸ ਦੇਅਰ ਵਾਚ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਨ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਏਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਿਲ ਲਾ, ਹੁਣੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕਰਮਨ, ਸੋਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਆਫਿਸ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯਾਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੰਗੀਆਂ ਸਵਾਹ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਨੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਦਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੁੱਧ ਜੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਦੈਟ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ।
कर अपनी जीत करो जीत करो जीत करो शुभ कर मन से शुभ कर मन से शुभ कर मन से कब हो न डरो कब हो न डरो हो अपने ही मन को एह लालच हो गुण ताऊ चुरो जब आव किया दिन दान बने अति हीरण में तब जूझ मरो